पहाड़ी पर तंबू बांधनी होगी और उसके बाद हम नाव की सैर पर जाएंगे। चप्पू लेकर आओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें लगता क्या है कि हम क्या कर रहे हैं? मगर तुम नाव नहीं ले जा सकते, ये सलाहकारों की है। उन्होंने कहा हम कुछ भी कर सकते हैं, मगर इस देखो, मुझे पता है, तुम जानती हो मैं इसे चला सकता हूँ। और इसके अलावा हम 2-4 मिनट के लिए तो जाएंगे, ठीक है? ठीक है, मगर मैं भी चलूंगी। नहीं, तुम नहीं चलोगी। मैं चलूंगी। तुम नहीं चलोगी। हम बस 2-4 मिनट के लिए ही तो जा रहे हैं। एडम विलियम फ्रीमैन, अगर तुमने 2 सेकंड में मुझे नाव में सवार नहीं होने दिया तो मैं सबको बता दूंगी, समझ गए? हाँ, मैं समझ गया, मगर तुम खामोश रहोगी। मुझे खुशी है कि एडम जानता है कि वो क्या कर रहा है, नहीं तो मैं थोड़ी सी डर जाती। वो लंबे अरसे से नाव चलाता आया है, और हाँ, अगर किसी को नाव चलाना आता है तो वो ये है। हाँ, कम से कम वो तो ऐसा ही कहता है। एडम को लगता है कि हम पड़ाव से 4 मील दूर होंगे। वैसे हम ठीक हैं, मगर नाव नदी में कहीं दूर है, कितनी बताना मुश्किल है। जॉश को लगता है हमें पड़ाव तक पैदल जाना चाहिए, मगर एडम सोचता है नाव को ढूंढकर करीब की बस्ती में जाना चाहिए। देखो, तुम चुप रहोगे या नहीं? एडम, अगर तुम्हें पता होता तो सबसे पहले हम इस मुसीबत में फंसते ही नहीं। मैं तुम ही वो मायर थे ना
जो कह रहे थे 2 मिनट में लौट आएंगे। कोई बात नहीं, किसी को खबर नहीं होगी, याद है ना? अब यहाँ देखो, अगर मैं चाहता। सुनो, किस पर चिल्ला रहे हो तुम? तुम पर। ठीक है, बताता हूँ मैं कौन हूँ। सुनो, मुझे तुम्हें अपने साथ आने ही नहीं देना चाहिए था। आने देना? तुम ही गिड़गिड़ा रहे थे। बिल्कुल नहीं। अब बस करो। देखो ऐसा है, मुझे मलाल है, मैं बस मदद कर रहा था। मदद? मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, समझे? में है, मुझे नहीं पता क्यों, मगर जोशुआ कहता है हमने आकर गलती की है और इसका उसे अफसोस है, मगर वो मुझसे कहे जा रहा है सब ठीक हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। तुम ठीक हो ना? हाँ। वो दूसरों से कुछ अलग सा है, मुझे नहीं पता ये क्या है, पर अब मुझे उतना डर नहीं और अब मैं ठीक हूँ। तुम इतने अलग से क्यों हो? वो यीशु है। क्या? जो भलाई तुम देख रही हो वो है यीशु मुझ में। अभी भी बहुत सारी गंदगी है, मगर दिखने वाली भलाई है यीशु। वैसे तो मैं और एडम हर हफ्ते चर्च जाते हैं। नहीं, बात ऐसी नहीं है। देखो, पहले तुम्हें ईमान लाना होगा कि यीशु ने तुम्हारी सजा को भुगता, फिर वो तुम्हें माफ कर देंगे, फिर तुम उन्हें अपना निजात दहिंदा बनाओ। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरी सजा को भुगता? मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, कम से कम अक्सर नहीं। ये बिल्कुल वैसा ही है जब हमने नाव को चुराया, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर हमने ऐसा किया। हाँ। तो अब बाइबल हमें बताती है कि हमने ऐसा ही खुदा के साथ किया है, हम उठकर अपनी राह पर चल पड़े बजाय उसकी राह पर, और गुनाह कुछ देर के लिए लुत्फ देता है, मगर कुछ देर बाद लोग हमारी तरह भटक जाते हैं ऐसे। सही कहा। पता है, गुनाह हमें खुदा से दूर कर देता है, इसलिए तो यीशु जन्नत से उतर कर नीचे आए हमें खुदा के पास ले जाने, मगर खुदा की माफी से पहले किसी को हमारे बजाय सजा तो उठानी थी। मतलब अगर मैंने कोई गलती की और एडम डैडी से कहे मेरे बजाय उसे पीटे। हाँ, ठीक कहा। ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, इसके अलावा भी कुछ है। ऐसा था, यीशु की मौत के बाद वो दोबारा जिंदा हो गए और अब वो हर एक में बसर करना चाहते हैं। हमारे अंदर बसर करना? क्या मतलब हुआ इसका? कैसे? पहले तो हमें उनसे दुआ करनी होगी कि वो तुम्हारी जिंदगी के मालिक बने, फिर तुम्हें उनकी बात माननी होगी, वो जो कहे वही करना, जैसे बाइबल में है, अपनी जिंदगी उससे सौंप देना। मुझे नहीं पता एडम, तुम कह क्या रहे हो? वहाँ ऊपर से तुम पड़ाव को देख पाओगे। ये तो बहुत ऊंचा है। पर मैं चढ़ने वाला हूँ। एडम, ये पत्थर ढीले हैं, मैं वहाँ कभी नहीं जाता। हाँ, मुझे पता है, तुम्हें वहाँ खड़े रहकर वाज देने में ज्यादा दिलचस्पी है, तो जाओ और ऐसा ही करो, मगर मैं यहाँ से सबको निकालूंगा।
मैडम संभल कर। वो रहा पड़ाव, मैं देख रहा हूँ, बस पौने मील की दूरी पर है, बस थोड़ी ही दूरी पर। एडम नीचे आ जाओ। यहाँ का मंजर हसीन है। एडम सुनो तो, अब ज्यादा खतरा मत उठाओ। क्या तुम कुछ वक्त के लिए चुप रहोगी? इस चट्टान से हटकर वहां से उतरना। अब मेरा पीछा छोड़ो और मैं तुम्हारी मदद के बगैर ठीक हूँ। एडम, एडम, तुम ठीक तो हो? ये क्या कर रहे हो? तुम यहाँ तक नहीं आ पाओगे, बड़ी ढलान है, पत्थर ढीले हैं। क्या तुम वापस चढ़ सकते हो? नहीं। यहाँ से हटो, ये सारे नीचे गिरने वाले हैं। ये सब गिरने वाला है। क्या मेरी बात सुनोगे? अब चट्टान तुम्हारे ठीक पीछे है, मगर मैं एक मजबूत चट्टान पर हूँ और अब मैं तुम दब जाओगे जब ये चट्टान गिरेगी। एडम, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। क्या? उस चट्टान को छोड़ो और मैं तुम्हें पकड़ लूंगा ताकि तुम सिरे से ना गिर जाओ। तुम पागल हो, नीचे दब जाओगे। क्या कोई और तरीका है? मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। जोश, मेरा भरोसा करो। आ जाओ एडम, मुझ पर भरोसा रखकर छोड़ो। तुम मेरी खातिर मरते मरते बचे। कोई बात नहीं, यीशु ने जो हमारी खातिर किया उसके मुकाबले ये कुछ नहीं है। क्या तुम उनसे गुनाहों की माफी मांगकर उन्हें अपना निजात दहिंदा कबूल करोगे? मैं इस पर गौर करने के लिए वक्त चाहूंगा। प्यारी डायरी, आज मैंने यीशु से माफी मांगी और अपने दिल में उन्हें अपना निजात दहिंदा बनाकर बुला लिया। खुदा ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। बस अब एडम ज्यादा देर तक ना ठहरे।